बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ टी पार्टी व्लॉग शेयर करूंगी और आप जो भी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं इंस्टेंट और टेस्टी कि आपके मेहमान आपसे खुश हो जाएं, तो सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से हर चीज़ को बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अरबियन डिज़र्ट बनाऊँगी, लयाली लुबनान। तो उसके लिए आधा कप शक्कर और आधा कप पानी को बॉईल करना है और इसको ट्रांसफ़र कर लेना है कप में, ताकि इसको सर्विंग के टाइम कप में डालने से सर्व करने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से फिर यही पैन हमने इस्तेमाल करना है। इसमें हम आधा लीटर दूध डालेंगे और दूध में बॉईल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा 1/3 कप डालेंगे शक्कर, या शक्कर आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा। फिर यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे देसी घी, या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं। बस इसको सिंपली बॉईल आने का वेट करना है। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा फिर हम इसमें आधा कप सूजी लेंगे रवा। तो रवा जो होगा ना बिल्कुल बारीक वाला होगा, तो अगर आपके पास बारीक वाला ना हो तो आप उसको मोटे वाले रवे को ग्राइंडर जार में डाल के बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लें। फिर यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप मैं डालूँगी रोज़ एसेंस का, इससे बहुत ही अच्छा सा खुशबू आती है इस डिज़र्ट में। फिर हम इसमें आधा कप जो रवा है वो डालेंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं होने लगता। इसको लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से बैठ जाएगा और ये देखिए इतना ठीक हो जाएगा। और जब ये रनिंग कंसिस्टेंसी में रहेगा तो जिस बर्तन में आपने इस डिज़र्ट को सर्व करना है तो उसमें इसको निकाल लेंगे, ये रवे का जो हलवे टाइप का है इसको, तो इसको जिस बर्तन में निकालना है उसको घी से ग्रीस कर लेना है ताकि ये जो डिज़र्ट है वो निकलने में आसानी से निकल जाए। और फिर इसको सब तरफ अच्छे से फैला लेना है इस तरह से, और इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। जब तक ये ठंडा होता है इसको रखेंगे साइड में। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो आधा कप व्हीप क्रीम लेना है, उसमें थोड़ा सा शक्कर और वही रोज़ एसेंस डालना है और पीसी हुई शक्कर डाल के इसको बीट करना है। तो जैसे हम केक के लिए क्रीम को बीट करते हैं बिल्कुल जब तक स्टिक पीक्स नहीं आ जाते उतना ही बीट करना है। जब ये बीट हो जाए तो फिर इसके ऊपर इसकी मोटी सी लेयर लगा देना है व्हिप क्रीम की। बस इसको इसी तरह से बनाया जाता है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आप इसको टीप टाइम अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसे बना लें, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, जल्दी से बनता है और बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होती है। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है उससे इसको गार्निश करें। इसको कैसे सर्व करना है इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसको सर्व कैसे किया जाता है। फिर मैं यहाँ पर छोले बनाऊँगी, तो छोले बनाने के लिए चने को नमक डाल के बॉईल कर लेना है और चने एकदम अच्छे से गले हुए होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है और प्याज डालना है, प्याज को गोल्डन होने देना है। और इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे और एक टमाटर और एक प्याज का पेस्ट बना लेना है, उसको रखेंगे साइड में। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, जैसा आपको तीखा चाहिए। बाद में इसमें लाल मिर्च का पेस्ट भी जाएगा। फिर ये प्याज और टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। आधा टीस्पून नमक डालेंगे क्योंकि चने को बॉईल करते टाइम ही हम नमक डाले हैं, तो इसके लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हरी मिर्च भी डाले हैं, तो इसके लिए लाल मिर्च आपने संभाल के डालना है कि ज़्यादा तीखा ना हो जाए। फिर इसके बाद लास्ट में हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे छोले मसाला। तो ये एवरेस्ट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी छोले मसाला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूसरी साइड पर रखेंगे बॉयल होने के लिए, जब तक कि यहाँ पर देखिए उबले हुए आलू ली हूँ मैं। तो आलू कचालू बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर आलू बॉयल किया हुआ है और ठंडा है, तो इसको बस काट लेना है। आलू को मैं काट लूँगी जब तक कि ये मसाला हमारा भुन रहा है। तो मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें पूरे चने ऐड कर देना, जो थोड़ा सा पानी है इसमें वो भी ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेवी टाइप का बनाएं, लेकिन अगर आप मेहमानों को ऐसे सर्व कर रहे हैं तो इसको ड्राई भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे छोले भटूरे के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रख दें। कचालू बनाने के लिए ये कढ़ाई को गरम करना है और उसमें जैसे ही गरम हो जाए तेल डालना है। तेल गरम हो जाए राई कड़ी पत्ता और ज़ीरा, और इसको अच्छे से चटकने देना है। जब ये अच्छे से चटक जाए तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे
दो टीस्पून के बराबर, और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो हरी मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। फिर यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज और एक छोटे साइज़ का टमाटर, उसका पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छे से भुन नहीं जाता। जब ये अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पर हम लेंगे थोड़ी सी इमली 1/4 कप के बराबर, और इसको आधा कप पानी में भिगो देंगे, और फिर इसका पल्प निकाल लेंगे और पूरा पल्प डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। तो ये सारे पाउडर मसाले हम डाल देंगे जब इमली का पल्प डालेंगे, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें शक्कर डालेंगे, शक्कर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा और थोड़ा अलग टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें शक्कर। हल्की सी डालना है, बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं डालना है, बस 1 से 2 चम्मच डालना है। फिर इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तेल भी सरफेस पर आ गया है, तो बस आलू डालना है और लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। तो ये आलू हमारा कुक हुआ है, कुछ भी इसको मतलब कि गलाना वगैरह नहीं है, तो बस इसको आपने लगातार चलाना है जब तक कि मसाला अच्छे से आलू के ऊपर कोट नहीं हो जाता, और बस ये तैयार हो जाएगा। तो ये आलू कचालू भी आप टी टाइम में, अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और यमी बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ये बस ये कचालू भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, इसको भी हम साइड में रखेंगे। फिर वो चने को मैं दूसरे वाले फ्लेम पर रखी थी, फ्लेम को मीडियम करके, तो उसको भी देख लेते हैं कि चना हमारा देखिए बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है। बस ये भी हमारा तैयार है, इसको भी हम रखेंगे साइड में। तो अब मैं टी टाइम में इंस्टेंट वाला गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो 1 कप शक्कर लेना है और 1 कप पानी लेना है, इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे और थोड़ा सा चलाएंगे, नहीं तो शक्कर नीचे लगने लगती है। तो जब तक ये बॉईल होता है हम इसका आटा लगा लेते हैं गुलाब जामुन का। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर लेना है 3/4 कप के बराबर, तो जितना 1/4 कप खाली रखना है कप को, और 1/4 कप इसमें मैदा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैदा भी डालेंगे, और यहाँ पर देखिए चाशनी को भी मैं थोड़ा थोड़ा देर में चलाती रहूँगी। फिर यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डालेंगे देसी घी, और 1 टेबल स्पून डालेंगे सूजी, बारीक वाली सूजी लेना है, 1 टेबल स्पून दही डालना है, और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे और इसको रखेंगे साइड में। देखिए चाशनी भी हमारी पक गई है, बस इसको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है, और 3 से 4 मिनट बाद इसको बंद कर देना है। इसमें या तो सेफ्रॉन आप डाल सकते हैं, हरी इलायची डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस। तो मैं यहाँ पर अभी केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, इसको कवर करके रख देंगे साइड में। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और लो फ्लेम पे तेल को गर्म होने देंगे, और जब तक हम इसका गुलाब जामुन का आटा लगा लेंगे। तो ये दूध से हमने इसका आटा लगाना है बिल्कुल अच्छे से, और इसको गूंदना नहीं होता है, बस दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे कि एक चिपचिपा सा डो जैसा बन जाए, बस इतना ही इसको मिक्स करना है और गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। और ये जब एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बस जो हाथ में लगा हुआ है इसको निकालना है, साफ़ करना है, और बस इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। कवर करके छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद देखते हैं। तो फ्लेम को मीडियम कर लेना है, तो जितना बड़ा आप गुलाब जामुन बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन जो ये मिल्क पाउडर का जो गुलाब जामुन होता है ना, फ्राई करने पे भी बड़ा होता है, और जब आप इसको चाशनी में डालेंगे तब भी ये और बड़ा होगा, मतलब कि जितना बड़ा आप गुलाब जामुन बना रहे हैं साइज़ में उसका डबल हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल छोटा छोटा सा गुलाब जामुन बनाएं और थोड़ा सा डाल के चेक करें। जैसे ही थोड़ी देर में ये बॉल ऊपर आएगी, मतलब कि हमारा तेल अच्छा सा गर्म है, तेज़ आँच पर तेल को बिल्कुल गर्म नहीं करना है, नहीं तो गुलाब जामुन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और थोड़े से डालना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, तो मैं दो बार का इसको फ्राई करूँगी। तो बस इस तरह से एक एक करके गुलाब जामुन डालना है, और कोई भी टूथपिक वगैरह लेना है और हल्का हल्का सा इसको टच करना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा और इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और फट जाएगा गुलाब जामुन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लुक आएगा। तो देखिए कितना जल्दी से ये बड़ा होने लगा है साइज़ में, और बस मीडियम फ्लेम पर देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पर, और इसमें अच्छा सा कलर आने देंगे, जैसा आपको लाइट या डार्क कलर पसंद है। बहुत से लोगों को गुलाब जामुन का डार्क कलर पसंद होता है, तो आप डार्क कलर का भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह से नॉर्मल गुलाब जामुन होता है उतना ही डार्क करूँगी।
तो बस इसको सब तरफ अच्छे से उलट पलट के देखिए सेकना है, सब तरफ अच्छा सा कलर आए। और बस इसको गरम गरम निकालना है और चाशनी गरम होनी चाहिए, मतलब कि ठंडी चाशनी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। चाशनी गरम होगी तो गुलाब जामुन जो है ना वो अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब करेगा और बिल्कुल अंदर तक इसमें जो चाशनी है चली जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये गुलाब जामुन बनता है। इंस्टेंट और टेस्टी गुलाब जामुन आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको कवर करके रखेंगे साइड में और बाकी बचे हुए गुलाब जामुन को सेम मेथड से फ्राई कर लेंगे। और आप किसी को भी इस तरह से टी पार्टी पे आपके यहाँ कोई आ रहा है गेस्ट तो आप इस तरह से मैं जो रेसिपी शेयर करी उसको फॉलो करके एकदम अच्छे से अच्छा सब चीज़ बना सकते हैं और जल्दी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इस तरह से बनाएं। और ये देखिए जो पहले हम गुलाब जामुन दे बनाए थे उसी में इसको भी डाल देना है और बस इसको कवर करके रख देना है। और इस गुलाब जामुन को सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे में ये बहुत ही अच्छे से शुगर सिरप जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़बरदस्त सा गुलाब जामुन भी बनकर तैयार है, छोले और ये सारी चीज़ बनकर तैयार है। और ये जो डिज़र्ट बनाई है इसको कैसे सर्व करना है आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग और रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।